हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल एंट्रेंस एग्जाम गाइड। सो गाइस, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं हरियाणा एएनएम 2022 के बारे में। जी गाइस, आप लोगों का हरियाणा एएनएम 2022 का एप्लीकेशन फॉर्म यहां पे रिलीज हो चुका है। किस तरह से एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर क्या है, एडमिट कार्ड किस तरह से डाउनलोड करना है, सिलेबस किस तरह से चेक कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, कौन कौन एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकता है, कौन कौन अप्लाई नहीं कर सकता, सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे आज इस वीडियो में। सिंपली क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करना है, इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे गाइस, हम सबसे पहले हरियाणा एएनएम 2022 के हाइलाइट्स डिस्कस करेंगे। लाइक हरियाणा एएनएम 2022 का फुल फॉर्म क्या है, हरियाणा ऑक्सिलरी नर्स एंड मिडवाइफरी कोर्स इसका फुल फॉर्म है, नर्सिंग कोर्सेज गाइस टाइप का है, स्टेट लेवल एग्जाम है, डिप्लोमा कोर्सेज में एडमिशन मिलेगा इस एग्जाम के थ्रू। हरियाणा नर्सेस एंड नर्स मिडवाइफ काउंसिलिंग पंचकुला के थ्रू गाइस आप लोगों का यहाँ पे ये एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। एप्लीकेशन मोड ऑनलाइन मोड रहेगा, यहाँ पे आपका ऑफिशियल वेबसाइट दे दी गई है, साथ ही साथ ऑफिशियल अथॉरिटी से कॉन्टैक्ट करने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर एंड ईमेल आईडी प्रोवाइड करा दी गई है। तो यहाँ पे हमने सारे ही मेन हाईलाइट्स देख लिए, अब एक एक इवेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। लाइक एग्जाम डेट की बात करें तो गाइस, अभी तक ऑफिशियल अथॉरिटी के थ्रू आप लोगों की डेट अनाउंस नहीं की गई है, जैसे डेट्स अनाउंस होगी हम उसके ऊपर वीडियो बना के आप लोगों को नोटिफाई कर देंगे। नेक्स्ट, मूव टू एप्लीकेशन फॉर्म। तो गाइस, आप लोगों का जो एप्लीकेशन फॉर्म है यहाँ पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते जाएं, कोई गलती करते, मिस्टेक करते, कोई भी इनवैलिड डिटेल्स एंटर करते हो तो आपका एप्लीकेशन डायरेक्टली रिजेक्ट हो सकता है, मे बी आप अपना एप्लीकेशन एक्सेप्ट ना कर पाओ। तो आपको क्या करना होगा कि एप्लीकेशन रिजेक्ट ना हो वो बता देता हूँ। जैसे गाइस, आप लोगों का एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होगा, हम उसके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे, उस वीडियो में आप लोगों को जो है लाइव एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके बताया जाएगा। जी हाँ गाइस, आप लोगों को फ्रॉम स्टेप वन आपका नाम एंटर करने से लेकर टिल फाइनल सबमिशन हर एक डिटेल आपको उसमें जो है लाइव करके बताई जाएगी। सिंपली उस वीडियो को फॉलो करना होगा, आपका जो एप्लीकेशन आसानी से सबमिट हो जाएगा। अब गाइस, नेक्स्ट यहाँ पे बात की जाए एप्लीकेशन फीस की। तो गाइस, आप लोग की एप्लीकेशन फी जैसे ही ऑफिशियल अथॉरिटी रिलीज करेगी तुरंत आपको अपडेट करके नोटिफाई कर दिया जाएगा। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे, तो आप लोगों की मिनिमम एज लिमिट 17 ईयर्स रहनी चाहिए, मैक्सिमम 35 ईयर्स। क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप 12th पास आउट रहनी चाहिए। आठ सब्जेक्ट में गाइस यहाँ पे मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी, होम साइंस, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी एंड फिजियोलॉजी, इसमें से कोई भी आपके जो सब्जेक्ट रहनी चाहिए तो आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। उसी के साथ आप मेडिकली कम्प्लीटली फिट रहनी चाहिए। अब कैसे, उसके बाद आपका एग्जाम होने के बाद आपकी मेरिट लिस्ट रिलीज की जाती है, अगर मेरिट लिस्ट में आपका नाम है फिर आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा, काउंसलिंग में आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किए जाएंगे, हर चीज़ सही होने के बाद फिर आप लोगों का एडमिशन दिया जाएगा। सो गाइस, नाउ आई होप आप लोगों को कोई भी परेशानी दिक्कत नहीं होगी हरियाणा एएनएम 2022 के रिगार्डिंग। इनकेस कुछ डाउट है, कोई हेल्प आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम जरूर आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।